मान आप और अगर कंफर्टेबल होना चाहती है तो आप ये भी ले ले। नहीं नहीं, गुड मॉर्निंग यार, पता है क्या मुझे बुखार होने वाला हो गया तकरीबन। हम आपको हकीम के पास ले जाए। नहीं नहीं प्लीज उठे मत, मुझे कोई कुछ नहीं बताता, मैं बताती हूँ। ये यही सुनना चाह रहा था मैं। मैसेज है इसमें भी एक कि अपनी लाइफ के कैप्टन तुम खुद। आराम से सुकून से बैठ लेती हुई थी, रेस्ट कर रही थी। और ब्रेक ले ले आप लोग। डायरेक्शन वगैरह का सोचा कभी आपने? हाँ, कि अपनी को कहानी लिखी हो, अपना कोई ड्रामा बनाई? मैंने लिखी भी है यार, इतने इंटरव्यूज देती हूँ लेकिन उसके अंदर जो फालतू तरीन बातें होती है ना वो बड़ी वायरल हो जाती हैं। और ये जो जरूरी बातें मैं करती हूँ इंटरव्यूज में, इनके ऊपर कोई बात नहीं करता। मैंने कितनी बार, नहीं इस बार अभी कोई और बात होगी ना, जिस तरह अभी ये मामा वाली बात आई है, इस तरह की कोई वायरल हो जानी है ना, वो काट के खाली वो बिट लग जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, दिस is a different kind of a show. Oh, okay. And you will and understand the value of coming here very soon. Okay. No, I'm waiting for the value to be given to me by the producer. Check mil jayega aapko. Acha. Lekin sabr ka phal meetha hota hai. Yaar nahi meetha hota, wo same hi hota hai. Lekin wo itne dino baad milta hai. Chale ye batao, agar hum aapko kiston mein kar de payment. Ah, main bhi kiston mein aake shooting karati hu tumhe. Ah, roz 15 minute ke liye aa rahi hai baat. Nahi, aisa nahi. Main aapke saath बैठ सकता हूँ। ये हमने ना सोफा असल में गोल्ड प्लेटेड करवाया था। हाँ, वाइट कर देते ना। सोशल मीडिया से इतनी चिढ़ क्यों है आपको? क्योंकि उस पे लोग बदतमीजी बहुत करते हैं। ठीक है। और अपनी तस्वीरें भी उतारनी खुद पड़ती है। स्टार्स पहले यही थी ना, क्योंकि पीछे पापराजी पीछे पीछे आती, कोई स्टार्स वाली फीलिंग तो आए। अब खुद सस्ते लोग बन के ना तस्वीरें खींचे, खुद लगाए, फेंको, बेचो अपने आप को, बेचो अपने आप को। अपनी तस्वीर खींचना मतलब अपने आप को सस्ता करना है? I don't know. I felt it like that. I not everyone has to follow that, but that's my thing. That's my thing. If you ask me why I have a problem with it. So and then people are just people misbehave a lot. I think you have a valid point. पापराजी पहले होता था, पापड़ खाने का शौक है आपको? मैंने नहीं, अब इसको कोई जवाब देना। How do you deal with criticism? Not well. मुंह तो पान देनी है मैं। क्या आपकी नेगेटिविटी ये क्रिटिसिज्म को अपने अंदर अफेक्ट होने देती है? मैं मिलती नहीं हूँ किसी से ना, इसीलिए मैं ज्यादा मुंह लगाती। तो अगर मीडिया पे या सोशल मीडिया पे आपको क्रिटिसिज्म? मुझे पसंद, मुझे बदतमीजी पसंद नहीं है, सो आई जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट। करेक्ट। आपने कभी किया किसी के साथ बदतमीजी या किसी को क्रिटिसाइज? नहीं, ऑन ऑन सोशल मीडिया नेवर। इन पर्सन मैं कोई बात ही नहीं करती। और वैसे ऑफ सोशल मीडिया? हाँ नहीं, ऐसे जलील कर देती हूँ। जलील कर देती? हाँ, बदतमीजी नहीं करती, ऐसे कहती हूँ कि मतलब गेट अ लाइफ टाइप। ये गेट अ लाइफ आपका ये जलील तो मुझे ऐसा लग रहा फूल फेंक दिया। क्यों खास नहीं साथ जो लगा? कान में बता दे। ले तेरा कान में रहना जरूरी। आप ना अपने लोगों को समझने में देरी कर देते हो, इनकी हर बात में देरी क्या होता है? ये जो हिंदुस्तानी सबके अंदर आ गई ना लैंग्वेज में, देरी कर दी, डिले कर दी, डिले कर देते हैं। वॉनबी इंडियन डिले, डिले जो कर देते ना आप लोग समझने में, वो ठीक नहीं है। इन्होंने क्या बोला? क्रिटिसिज्म। आपने 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 कभी वो मेरा कैमरा, इन्होंने जो कहा इनकी बात देखे, इनसे सीखें, इनसे सीखें, इनका एक वो मेरे कैमरे में देख लो, तुम्हारा बूथा जरा बेहतर आ जाएगा, उधर ज्यादा खराब आए। लोगों को मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है। अब लोग अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। इन्होंने बात की थी बलूची कढ़ाई की, लेकिन हम करेंगे ब्रेन मसाला विद सम क्वेश्चंस। गेट रेडी। एक से सौ तक कितने टाइम्स नाइन आता है? एक से सौ तक? वन टू हंड्रेड कितने टाइम्स नाइन आता है? कितनी टाइम नाइन? क्यों मैं तो ये मैं किसी सेंस जोन में क्यों जाऊँ? ये कितना बदतमीज सवाल है? नाइनटीन टाइम्स। ओह, नाइनटीन टाइम्स। मैं उड़ सकता हूँ लेकिन मेरे पर नहीं है। ईमान, मैं रो सकता हूँ लेकिन मेरी आंखें नहीं। ईमान, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ अंधेरा छा जाता है। कौन हूँ मैं? मैं हूँ सर। नहीं, नहुसत नहीं है। अंधेरा, बादल। बॉबी देओल की बादल मूवी याद है आपको? याद है।
तकलीफ हो रही है तूने इतने ज़्यादा आपको देख के मेरी सारी तकलीफें चली गई। नहीं अभी तो बड़ी आ रही थी तुम्हें। पांच गल्फ स्टेट्स के नाम बताएं। क्यों मैंने मतलब इतिहाद कतर और इतिहाद एयरवेज है। इतिहाद एयरवेज है यार जिनका है इतिहाद न्यासी इतिहाद जिनका इतिहाद है यार इत्याद? बोलो ना उनका अपने हाजी से अपना चौधरी यार मलक अबू धाबी ओके और क्या मतलब है? ठीक है मैंने कह दिया ठीक है। और तो किधर का है फिर मुझे बताओ तुम। कतर भी गल्फ स्टेट में ही आता है। हाँ हाँ और कतर और? दुबई कितने पे है? दुबई अबू धाबी दो हो गए। यार स्टेट पूरी बतानी चाहिए मुझे। ईमान हाँ हमें ये भी पता चला कि आपको एरिस्टोटल बहुत पसंद है। बहुत पसंद है बस पसंद है। Why? Are you into philosophy? हाँ Greek philosophers? हाँ I keep going back and forth. I have a book called The Story of Philosophy. It's a very good book. Everyone should Brian something McGee. Brian McGee. It's a very good book. So I keep going back and forth with it. उसके अंदर सारे philosophers का कच्चा चट्टा खुला हुआ है उन्होंने। People in Pakistan who might not be into philosophy, अगर हम उनको बताना चाहेंगे what is philosophy, तो how would you describe? नहीं मैं उधर इधर क्लास देने नहीं आई, मैं सिर्फ इंटरव्यू देने आई हूँ ताकि अपना जैक करूँ। आपके philosophy for me is the art of exploring your own self. अच्छा इस पे आना हमने इस तरह से आना inner self. I thought this was a fun sugal वाला life has to be a combination of everything. अच्छा fun intellect philosophy हमने तो हद कर देनी है जिंदगी गुजारने की और हद नहीं हो सकती जब तक आप हर चीज के बारे में बात ना करें। शुक्र हद में आ गए वरना मैं तो कभी अकलमंद ही ना हो पाती। नहीं 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 एक सक्सेसफुल मेंटोर में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? ऐसा इंसान जो पैसे के पीछे कुत्ता ना होता जो अपने कभी सोल बेचे ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। जो अपने आप में पूरा हो और जो बहुत गैरत से जिंदगी गुजारना चाहता हो और थोड़े खूबसूरत भी हो जाते ब्यूटी मतलब ब्यूटी कॉन्शियस है। नो दैट वाज अ जोक। आई नो हूं थोड़ी को ब्यूटी कॉन्शियस व्हिच इज व्हाई आई एम मैरिड अ गुड लुकिंग मैन। एक चीज मैं बाकी कहना चाहूंगा कि इस चीज में हम दोनों रेजोनेट करते हैं कि देयर हैज टू बी फन इन एवरीथिंग इन लाइफ। लाइफ हैज टू बी बैलेंस्ड वेयर आप प्रोडक्टिव भी हो। दैट्स द ओनली वे आई बीन एबल टू डील विद माय इलनेस कि मैं उसका भी कोई ना कोई मजाक ही निकाल लेती हूं। सेल्फ डिप्रिशिएटिंग ह्यूमर इज द बेस्ट आई थिंक। डिप्रिशिएटिंग तो नहीं है, दिस इज सेल्फ अप्रिशिएटिंग ही है मेरे केस में। हां मेरे लिए इस तरह ही है, मैं अपना मजाक भी उड़ाती हूं। शुक्र है मैं खुद ही लेके आई हूं थोड़ा सीरियस जोन में। तुम तो अभी बस